नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि एग्रीमिन फॉर्ट पाउडर जो अभी मार्केट में मिलता है, क्या ये वाकई काम करता है हमारे गाय भैंस को? जैसे कि हमारी गाय भैंस बार बार हीट में आ रही है, गर्भधारण नहीं कर रही है, या हमारी गाय भैंस हीट में तो आ रही है लेकिन रुक नहीं रही है, या हीट में ही नहीं आ रही है, साल दो साल निकल जा रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हीट में भी आ रही है और गर्भधारण भी नहीं कर रही है, हम बार बार सीमन कराकर परेशान हो गए हैं, या बच्चेदानी जो है गाय भैंस के गर्भधारण करने के योग्य नहीं है, तो क्या ये दवा काम करती है या नहीं काम करती? अगर काम करती है तो किस तरह काम करती है, किस तरह खिलाना है, कैसा इसका रिजल्ट है, आज हम इस विषय में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो इसी बात वीडियो को लाइक करते जाएं। आप लोग दोस्तों लाइक नहीं करते, हम दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ बहुत ही कड़ी सख्त मेहनत करके कि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आपके मन को मन में सवाल रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक्स पर, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पे क्लिक कर लेना ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक्स पर कि किस तरह से काम करता है एग्रीमिन फॉर्ट जो पाउडर होता है, ये खिलाना किस तरह से है आपको, और सबसे पहले बात करते हैं ये फायदा करता है या नहीं। तो दोस्तों ऐसा हमने देखा भी है, जो इसका हमने रिजल्ट देखा तो हमारे आसपास कई गाय भैंस थी ऐसी जो बार बार हीट पर आ रही थी, गर्भधारण नहीं कर रही थी, और बच्चेदानी कमजोर थी, मतलब कई तरह से ग्रसित थे हमारे किसान भाई। तो इसका आजमाइश किया गया, तो जहाँ तक दोस्तों बात की जाती है आजमाइश का, तो 100% ये काम करता है। लेकिन दोस्तों आपको इसका नियम पता होना चाहिए कि किस तरह से खिलाना है, कितना दिन तक खिलाना है, ये अगर आप ले लेते हैं तो नियम जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर दोस्तों आपके भी गाय भैंस को ऐसी बार बार हीट में आना, ऐसी शिकायत है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम है, हीट पर नहीं आ रही है, हीट पे आ रही है तो गर्भित नहीं हो रही है, या बच्चेदानी छोटी है, या बच्चेदानी गर्भधारण के योग्य नहीं है, तो आप जो है एग्रीमिन फॉर्ट पाउडर ले सकते हैं। इसका मार्केट में प्राइस की बात की जाए तो 180 रुपये में आता है। इसको दिया कितना जाए, खिलाया कितना जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पाउडर को ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं या कम मात्रा में खिला देते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि हम जो है एग्रीमिन फॉर्ट पाउडर को कितनी मात्रा में खिलाएं। आपको जब भी ये पाउडर मिलेगा 1 kg लेना है 180 रुपये में। इसको आपको कब खिलाना है, जब आपके पशु शाम के समय, जब आपके पशु चारा खा लें, ऐसा लगे कि अब हमें चारा नहीं खिलाना है, तब जो है आपको उस पाउडर को मात्र 50 ग्राम दे देना है। 50 ग्राम जो है देना है शाम को ही समय, ऐसे लगातार ये जो है लगभग 20 दिन तक चलेगा। तो एक काम आप कर सकते हैं कि 20 पुड़िया बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रख के 20 पुड़िया, तो 20 जो है लगातार आपको खिलाना है। तो इससे क्या है, जैसे आप खिलाएंगे तो 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर वो हीट पर आ जाती हैं, जो भी आपकी गाय हो या भैंस हो या बछड़ी हो या पणिया हो, हीट पर भी आ जाएगी और गर्भित भी हो जाती है एकदम 100%। जो इसका रिजल्ट निकला है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप 20 दिन की दवा है, अगर आपकी गाय भैंस पड़िया गाय जो भी है वो अगर 15 दिन में हीट पे आ जाती है, तब आपको ये काम करना है कि 15 दिन में अगर हीट पे आ गए तो उसे सीमन करा देना है, फिर उसके बाद इस पाउडर को बंद कर देना है, इस पाउडर को नहीं खिलाना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद वीडियो लाइक करते जाएं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच कर।